हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपना चल रही थी एक्सरसाइज, चैप्टर चल रहा था 16.3 शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जितने भी सूत्र थे, फॉर्मूले थे, हमने वो सब लिख लिए थे, ठीक है। और हमने इसके उदाहरण भी कंप्लीट कर लिए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 16.3, क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। क्या है? शंकु की ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर पहला। ऊंचाई दी गई है इसमें, ना ध्यान रखना, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर दी गई है हमें 21 सेंटीमीटर। तो हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तीनों चीज हमें इसमें निकलवाई है। तो देखो, तीनों चीज निकालने के लिए हमें इसमें क्या चाहिएगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई चाहिएगी। देखो, हमें दिया गया है एक शंकु, तो हमें ये ऊंचाई दी गई है 28 और ये दी गई है कितनी, 21 सेंटीमीटर और ये दी गई है 28। तो हम निकालेंगे सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, सूत्र हमें पता है क्या होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस में त्रिज्या का स्क्वायर, है ना, किसका, त्रिज्या का। तो मैं एल स्क्वायर और आर स्क्वायर से ही लिख लेते, नहीं एल तो यहाँ है ही, एल हम निकाल रहे हैं, तो एच स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो देखो, 28 का स्क्वायर प्लस में 21 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है अपने पास 784, कितना होता है, और 21 का कितना होता है, 21 का होता है 441, कितना होता है 441। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, L बराबर, देखो 4 और 1 5, 8, 4, 12, 1, 2 को हासिल लगी 1, 8 और 4, 12, 1225, कितना आ गया, 1225 आ गया। तो 1225 का अंडर रूट कितना होता है, 1225 का अंडर रूट होता है 35, कितना होता है 35। तो देखो, L कितना निकल के आ गया, L अपना निकल के आ गया 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं, ये निकल के तो आ गया, मैं इसको एक साथ उधर ही लिख देता हूँ क्योंकि ये जगह ज़्यादा घेर ली इसने, ना, तो इसको कैसे निकाला ये तुमको पता है, चाहो तो मैं इधर लिख देता हूँ, कितना आ गया, ये आया था अपने पास इन दोनों का जोड़ करने पर 1225 और ये आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, कितना आ गया 35 सेंटीमीटर आ गया ना, 441 और उनको जोड़ दिया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कुछ भी निकलवा ले। अब तो देखो, आयतन निकाल दो, वक्र पृष्ठ निकाल दो, सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ निकाल देते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। तो मान रख दो 22/7 गुना 21 गुना में 35, तो 7 × 5 = 35। अब इनका गुना कर लो आपस में, देखो 21 × 42 का 2 का हासिल लगी 4, 21 × 42 और 4 46 गुना 5, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30 और 1 = 31, 5 × 4 = 20 और 3 = 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया
2310 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकाल देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में एक वृत्त जोड़ देते हैं नीचे वाला, यानी पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर एल में ऐड कर देते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। वैसे तो फॉर्मूला हमने लिख रखा है पाई आर कॉमन ले लेते तो क्या बचता है, एल प्लस आर। तो चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो पाई आर एल प्लस आर, ठीक। 22/7 गुना 21, देखो L का मान है अपने पास 35 और 21 कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 और 2 5 56, कितना हो जाएगा 56, ठीक है। तो अब इनका इसको मैं भाग दे देते हैं, 7 7 49 7 8 56 आठ टाइम। अब देखो इन दोनों का गुना अभी हमने किया था, कितना आया था 462 का गुना कर देते हैं 8 से, किससे कर देते हैं 8 से, 8 × 2 = 16 हासिल लगी 1, 6 8 48 और 1 49 हासिल लगी 4, 8 4 = 32 और 4 = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला भी मैंने बता रखा है, शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन में 3 का भाग दे देते हैं ना, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो h की जगह यहाँ क्या आ जाता है, उसमें तो क्या था पाई आर स्क्वायर h था, है ना, यहाँ भी h है, ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा h, है ना, इसमें वो मत लिख देना l का मान, यहाँ क्या चाहिएगा हमें h का मान चाहिएगा, ठीक है। अगर हमें l दिया हो तो हम h निकाल सकते हैं, h दिया हो तो l निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर h, तो देखो 1/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना में 28, तो देखो 7 3 21 3 से 3 कट गया, वही 22 × 21 अभी हमने किया था, कितना आया था 462, इसका गुना करेंगे किससे 28 से, किससे करेंगे 28 से, 462 गुना करेंगे 28, जब आएगा 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और मतलब आयतन है तो क्यूब और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, ये जरूर ध्यान रखना है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये कंप्लीट दिख ही रहा है तुमको, और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, सब कुछ फाइंड करवाया इसमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, तीनों के फॉर्मूले लगा दिए, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, उस शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर कितनी है 24 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमें दिया गया है
1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे जो निकलवाया है ना, वो निकलवाया तिर्यक ऊंचाई। क्या निकलवाई है? तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का मान। तो देखो, एल का मान निकालने के लिए हमें आर के मान की ज़रूरत होगी। किसके मान की ज़रूरत होगी? आर के मान की। तो देखो, आर का मान कैसे निकालेंगे? इस सूत्र की सहायता से। ये जो शंकु का आयतन दिया गया है ना, इसकी सहायता से हम आर का मान निकाल लेंगे, फिर एल का मान निकाल लेंगे। देखो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया गया है? 1232। तो इनका मान रख देते हैं 1/3, 22/7। आर स्क्वायर को ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा कितना? 24। ऊंचाई का मान दिया गया 24। तो देखो, 8 * 3 = 24, ठीक कट गया। अब हमें आर स्क्वायर का मान निकालना, इधर है 1232। तो देखो, 7 तो आएगा गुना में और 12 * 8 आ जाएगा भाग में, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 1232 × 7 / 22 × 8, ठीक है। काटते हैं, देखो किससे? 11 से काटते हैं। 11 * 1 = 1, 11 * 1 = 11 और 11 * 2 = 22। इसको कट गया 2 बार। फिर इसको काटते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा कितना? 5 और 6, 8 * 5 = 48, 8 * 5 = 56। देखो, 7 * 7, 7 × 7 कितना हो गया? 49। आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर आ जाएगा 49 का अंडर रूट, यानी कि 7। क्या आ गया? आर का मान आ गया 7। अब हमने निकालनी है क्या? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? h² + r² का अंडर रूट। तो ये तो है अपने पास 24 + 7 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो 24 × 24 करके देख लेना तुम, है ना, कि 24 × 24 करेंगे तो इसका अंडर रूट, मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तुम 24 × 24 कर लेना अगर याद ना हो तो, ठीक है। ये कितना होता है? 576 प्लस में 7 * 7 = 49। इनको जोड़ देते हैं, 9 और 6 = 15, हासिल लगी 1 * 8 = 4 = 12, हासिल लगी 1 = 625। 625 यानी कि कितना आ गया अपने पास? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अपने पास आ गई 25 सेंटीमीटर। 625 का अंडर रूट कितना होता है, तो मैंने लिखा रखा तुम सबको ना, और ये याद भी होने चाहिए कम से कम 25 तक तो, ठीक है। ना भी हो तो इसमें तो आसानी से हम निकाल सकते हैं इसको, है ना, मैंने निकालना भी तुम सबको सिखा रखा है, ठीक। तो ये निकल के आ गई तिर्यक ऊंचाई। तो देखो, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए याद रखना हमें आर के मान की ज़रूरत है। आर का मान हम शंकु के आयतन की मदद से निकाल देंगे, एच हमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हो गए अपने क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर तीन है, एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 ही है। और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है कितनी? 25 मीटर है। ये कितना है? मीटर, ठीक है। तो यहीं से हम त्रिज्या भी निकाल लेते हैं, ठीक है। व्यास की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14/2 = 7 मीटर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान दिया गया है। क्या दिया गया है? तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25 मीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सरल है बिल्कुल ही,
25 मीटर है, तो क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने लिखाया था, देखो पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं और पाई आर ले लेते हैं कॉमन, तो बचता है आर प्लस एल या एल प्लस आर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 22/7 गुना आर का मान अपने पास है 7, गुना देखो आर प्लस एल, 25 और 7 कितने होते हैं 32, 7 से 7 कट गया, 22 × 44 का 4 का हासिल लगी 4, 22 × 3 = 66 और 4 = 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये मीटर में चल रहा था ना, हाँ ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, ये मीटर है तो मीटर होगा और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये मीटर ये मीटर ये मीटर, तो ये भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु के आधार की त्रिज्या, कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दी गई है 50 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर दी गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तिरछी ऊंचाई हमें दी गई है तो कोई दिक्कत है ही नहीं और उसकी त्रिज्या भी दी गई है, तो इसमें L का मान हमें निकालना है नहीं क्योंकि हमें आयतन की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है भाई, एल दिया गया है, त्रिज्या दी गई है और हमें आयतन तो पूछा नहीं, जो एच निकालने की ज़रूरत है तो एच हम नहीं निकालेंगे, हम क्या कर लेते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले, शंकु के या शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल, कितना होता है फॉर्मूला पाई आर एल, ठीक। सब का मान अपने पास आई, देखो पाई होता है 22/7, आर का मान अपने पास है 14, एल का मान है अपने पास 50, तो ये कट गया 7 × 14, ये हो गया 100, 100 का गुना 22 से कर दो तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, ये आ गया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो दो तरी वही है, या तो सीधा सूत्र लगा दो या क्या कर दो, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में उसके आधार का क्षेत्रफल क्या कर दो, जोड़ दो, यानी उसके वृत्त जोड़ दो, तो देखो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, चाहे तो ऐसे कर लो चाहे तो सीधा फॉर्मूला लगा लो, देखो ये तो हमने निकाल ही लिया, कितना आ गया 2200, इसमें क्या जोड़ना है हमें, 22/7 गुना 14 गुना में 14, तो ये कट गया कितनी बार, 2 बार, ठीक है, तो ये हो गया कितना, 14 × 28 गुना में 22, और उसमें ये ऐड हमें कर देना है, तो देखो
क्या ऐसे कर लो चाहो तो इसको कर लो, 44 22 दूनी 2 से कर देते हैं इसका, 22 दूनी 44 गुना में 14, तो 14 चौके 56 और फिर 14 चौके 56 और 5 61 कितना आ गया 616, कितना आ गया 616। तो इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, 616 जोड़ देते हैं, कितने में 2200 में प्लस कर देते हैं कितना 44 गुना 14, तो 2200 प्लस 616, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये तो 0 का 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा नहीं, देखो ये हो जाएगा 6, ये होगा 1, ये होगा 8 और ये होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर निकाल के इसमें जोड़ दिया। चाहो तो तुम सूत्र से भी कैसे कर सकते हो, पाई आर आर प्लस एल, यही निकल के आएगा। देखो 22/7 गुना 14 गुना में 50 60 64, कितना है 64, इसको काट दिया 2 से, ये हो जाएगा 44 गुना में 64, इन दोनों का गुना करोगे जब उतना ही आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये हो गया अपना कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालिए। देखो क्वेश्चन 5, एक लंब वृत्तीय शंकु है जिसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी गई है, शंकु का लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी गई है कितनी 8 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है हमें, आयतन निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो शंकु की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन बराबर, देखो शंकु का आयतन का सूत्र हमें पता है कितना होता है 1/3 πr² h, r हमारे पास है, h हमारे पास है, तो हमें l तो इसमें ज़रूरत होती नहीं है, तो l निकालेंगे नहीं, तो देखो 1/3 गुना 22/7। ठीक है, आर का मान है 6 गुना में 8, तो देखो इसको काट देते हैं 3 2 6। ठीक है, और कुछ कट भी नहीं रहा, तो अब इनका गुना कर देते हैं 44, देखो 22 2 44 चकना 36 643 68 48 बटे में 7, तो 7 को 7 का भाग नहीं जाता, 46 7 7 49। ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं, इसमें भी नहीं जा रहा, इन दोनों का गुना करके उसमें 7 से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, 7 से भाग दे लेते हैं, तो देखो इन दोनों का गुना करते हैं पहले, तो 48 गुना 44, तो 8 4 32 3 4 4 16 17 18 19 2 9 1 2 11 को 1 10 और 1 11 कितना आ गया 2112, इसमें दे देते हैं 7 से भाग, किससे दे देते हैं 7 से, तो 7 3 21 1 / 0 1 7 1 7 बचा कितना
चार दो तो सचिंग 42 कितना जाएगा 301.6 कितना आ गया 321.12। तो देखो 7 या 21 यहाँ बचेगा कितना, देखो एक थोड़ी सी हो गई, 7 या 21 भाग टूटेगी 0 उतार लिया इसमें 1 और ये 2 तो 7 × 7 = 14 तो 1 और यहाँ आएगा कितना 7 यहाँ आएगा 5.0779 1 और 0 और 7 ये आ जाएगा क्या है शंकु का आयतन। तीन 301.71 cm³ आयतन है तो इसलिए क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा, क्या लग जाएगा क्यूब। ठीक है तो इसकी कैलकुलेशन कर लेना और इसको तुम आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है तो देखो अब से जो तुम्हारी वीडियो है ना वो कंटिन्यू डलने लग जाएंगी रोज़, ठीक है रोज़ डलेंगी, इसलिए हमने क्या किया है वीडियो को थोड़ा सा टाइम कम कर दिया है ना, अब से हम छोटी छोटी वीडियो ही डाला करेंगे है ना, 30, 35, 25, 30, 35, 35 मिनट की। ठीक है तो हम आज के लिए केवल इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।